जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल NIS ऑनलाइन हब में, जहां दोस्तों मिलती है NIS से जुड़ी एवं शिक्षक भर्ती से लेटेस्ट अपडेट। तो दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं बहाली से संबंधित क्या अपडेट निकल के आ रही है और सीटेट दिसंबर वालों का फॉर्म क्या लिया जा रहा है क्या नहीं लिया जा रहा है, इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना। और अगर आप सीटेट दिसंबर वाले हैं तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, आपकी सारी समस्या को दूर इस वीडियो में होने वाली है। चलते दोस्तों आज की लेटेस्ट अपडेट के बारे में। साथियों को गुड मॉर्निंग सुप्रभात। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता चल चुका है कि पटना हाईकोर्ट के आदेश के बाद जो है 94,000 प्राथमिक शिक्षक नियोजन की प्रक्रियाएं में जो है दो स्टे लगाया गया था। तो यहां पर शिक्षा विभाग के तरफ से जो है एक लेटर जारी हुआ है, जैसा कि आप लोग को पता है। तो यहां पर क्या अपडेट निकल के आ रही है आज की अपडेट के बारे में हम जानेंगे। इस वीडियो में आपको सारी कन्फ्यूज दूर की जाएगी, उसके फॉर्म सबमिट किए जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, या आप फॉर्म भर पाएंगे कि नहीं अगर आप सीटेट कैंडिडेट हैं, तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। दोस्तों जैसा कि आपकी स्क्रीन में है कि यहाँ ये hindustan.com के माध्यम से अपडेट आ रही है कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद बिहार में 94,000 प्राथमिक शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया जो है स्थगित किया गया है। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते थे कि पटना उच्च न्यायालय में जो है दो केस दायर हुए थे, जो कि एक प्राथमिकता को लेकर और एक जो है सीटेट दिसंबर, जिसमें जो है अपॉइंटमेंट पर रोक लगाई थी और जो प्राथमिकता पर है वो जो है मेरिट लिस्ट पर। ऐसे में दोस्तों आपके मन में जो है बहुत सारे जो है क्वेश्चन उठ रहे हैं कि मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी, या 1-5 जो है रोकी रहेगी या 6-8 पर जारी रहेगा। तो दोस्तों इस आपके स्क्रीन पर है, आप देख पा रहे होंगे ये अपडेट जो है आज की बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद बिहार में 94,000 प्राथमिक शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया जो है स्थगित हो गई। तो आपको सुनने को मिल रहा था पटना के तरफ से कि स्टे लगाया गया था, अब शिक्षा विभाग के तरफ से जो है फाइनल जो है लेटर जारी कर दिया गया है। दोस्तों यहां पर देख पा रहे होंगे ये पटना से अपडेट आ रही है कि बिहार में प्राथमिक स्कूल में करीब 94,000 शिक्षकों के पद पर नियोजन के कार्रवाई पर शिक्षा विभाग ने जो है तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया, यानी जो भी प्रक्रियाएं हैं वो जो है अगला आदेश तक रोक लग गया है। साथ में दोस्तों अपडेट भी जारी किया गया है शिक्षा विभाग के तरफ से। तो इस लेटर में क्या क्या लिखा गया है आपको पूरी स्पष्ट तरीका से मैं बताऊंगा। वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, अगर सीटेट दिसंबर वाले हैं तो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो ये होने वाली है। तो दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि 94,000 शिक्षकों के पद पर नियोजन के जो अगले आदेश तक जो है रोक लगा दिया गया है। बुधवार को पटना उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में शिक्षा विभाग ने आदेश जारी करते हुए राज्य के सभी नियोजन इकाई को मेधा सूची निर्माण आदि पर रोक लगाने का आदेश दिया है। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि मेधा सूची यानी जो है नहीं निकाली जाएगी, जैसे आपकी जो वरिकता की बात हो रही थी उसमें 1-5 में, तो उसमें विभाग ने ये भी कहा कि जो 6-8 है उसका जो है हम लोग देखेंगे, फाइनल मेरिट तक निकालेंगे, लेकिन नियुक्ति प्रक्रिया नहीं होगी। ये जो है 6-8 के लिए मैं बात कर रहा हूँ, 1-5 के लिए जो है मेरिट लिस्ट तक भी नहीं जाएगी। और यहाँ पर देख सकते हैं NIS द्वारा 18 माह का सेवाकालीन DLED कोर्स करने वाले TT CT उत्तीर्ण अभ्यर्थियों से आवेदन 14 जुलाई तक लिए जाएंगे, लेकिन इसके आगे की प्रक्रिया जो है स्थगित रहेगी। यानी दोस्तों आपके जो है अगर NIS से आप DLED हैं तो आप जो है 14 जुलाई तक आवेदन दे सकते हैं, उसके जो भी आगे की प्रक्रियाएं होगी जैसे मेरिट लिस्ट, मेधा सूची, सब सारे जो है प्रक्रिया जो है स्थगित रहेगी, कोर्ट का ये आदेश है। दरअसल शिक्षा विभाग द्वारा करीब 94,000 शिक्षक नियोजन के मामले में 17 दिसंबर 2019 को आदेश
दिया था कि पहली से पांचवी तक शिक्षक नियुक्ति में 2 साल का डीएलएड कोर्स करने वाले को प्राथमिकता मिलेगी। इस कोटे के अभ्यर्थियों को नहीं मिलने पर जो है शिक्षा स्नातक यानी बीएड योग्यताधारी का चयन किया जाएगा। यानी दोस्तों शिक्षा विभाग की तरफ से एक लेटर जारी किया गया था जो कि 17 दिसंबर 2019 को उस लेटर में लिखा था कि 1 to 5 में नियुक्ति के लिए जो है डीएलएड अगर नहीं मिलते हैं तो उस दौरान जो है बीएड अभ्यर्थियों को लिया जाएगा, बशर्ते उसको जो है 2 साल के अंतराल यानी 6 महीने के अंदर जो है उसे एक ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा यानी सेतु कस, तभी उसे जो है ट्रेंड माना जाएगा। ऐसा एक लेटर जारी किया गया था। विभाग ने 3 जुलाई को रोक लगा दी है। ये आदेश मेधा सूची के निर्माण से संबंधित था जिस पर शिक्षा विभाग ने 3 जुलाई को जो है रोक लगा दी है। इसके बाद इन शिक्षकों की नियुक्ति के मामले में पटना उच्च न्यायालय का आदेश 1 जुलाई को भी आ चुका है। बुधवार को न्यायालय के आदेश के अनुपालन में शिक्षा विभाग ने अपने आदेश में कहा कि 14 जुलाई तक एनआईएस से डीएलएड करने वाले टीटी आवेदन दे सक लिए जाएंगे। यानी जो भी अभ्यर्थी हैं दोस्तों, यहाँ पर अब ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सिर्फ लिखा है एनआईएस डीएलएड वाले जो है आवेदन कर पाएंगे, लेकिन यहाँ पर अब सीटेट दिसंबर वालों की भी यहाँ पर बात आ जाती है। तो इस लेटर में ऐसा फिर एक जो है कंफ्यूज वाली बात रह गई, क्योंकि यहाँ पर अगर 18 महीने का जो डीएलएड कोर्स है उसमें जो है सीटेट दिसंबर वाले भी शामिल हैं। तो दोस्तों ये जो है आपको जो है सुनने को मिल रहा है कि जो है दिसंबर वालों को अभी लिया जा रहा है, यहाँ पर एक कन्फ्यूज आपके मन में उत्पन्न हो रही है जो कि मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। 14 जुलाई तक आवेदन संबंधित अग्रस्त के विभाग ने निर्देश दिया है कि इधर शिक्षा विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि शिक्षा विभाग जल्द जो है दोनों मामलों में पटना हाईकोर्ट में जो है यहाँ पर शपथ पत्र दायर करने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो दोनों मामला है प्राथमिकता और सीटेड अपॉइंटमेंट को लेकर, यानी डीएलएड प्राथमिकता और अपॉइंटमेंट को लेकर जो है उस पर दोनों ही मामला जो कोर्ट से आदेश आया है उस पर जो है अब शिक्षा विभाग जो है यानी पटना उच्च न्यायालय में प्रति जो है शपथ दायर करने वाली है। ये तो दोस्तों थी न्यूज की तरफ से अपडेट। अब इस बताते हैं कि आज जो शिक्षा विभाग की तरफ से जो लेटर जारी किया गया है उसमें क्या क्या बातें लिखी गई है, क्या उसमें सीटेट दिसंबर वालों को भी शामिल करने की बात कही गई है। सक स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे जो कि शिक्षा विभाग की तरफ से लेटर जारी किया गया है कल की डेट में, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे ये शिक्षा विभाग की तरफ से ऑफिशियल लेटर जारी किया गया है जिसमें दोनों केस के बारे में पूरी जो है डिटेल दिया गया है। दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये केस जो है ये जो है नियुक्ति अपॉइंटमेंट पर रोकी गई है और ये जो है प्राथमिकता पर रोकी गई। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे इस केस का जो यहाँ पर दिया गया है उसका यहाँ पर जजमेंट को लिखा गया है और इस केस में जो है इस केस के बारे में दिया गया है। अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं कि आपके मन में ये सवाल आ रहे हैं कि क्या सीटेट दिसंबर वालों का जो है फॉर्म को सबमिट किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो ये जो लाइन है कंफ्यूज भरी बातें यहाँ पर पैदा कर रही है। यहाँ पर देखेंगे तो लिखा है कि अतुलपुर में निर्धारित समय तालिका के अनुरूप एनआईएस द्वारा संचालित सेवाकालीन 18 माह के डीएलएड टीटी सीटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों जो है मात्र से आवेदन 14/7/2020 तक आवेदन प्राप्त करने का कार्रवाई की जाएगी। दिनांक 14/7/2020 के पश्चात नियोजन की प्रक्रिया से संबंधित अग्रतर कार्रवाई विभाग के निर्देश पर जो है प्राप्त होने पर ही ली जाएगी और इस निर्देश पर सख्त पालन सुनिश्चित किया जाए। और यहाँ पर देख सकते हैं तो यहाँ पर सीटेट दिसंबर वालों के लिए ऐसा जो है नहीं किया गया, लेकिन शिक्षा विभाग की तरफ से ऐसा ही लेटर जारी किया गया था जिसमें कहा था कि 18 माह प्लस जो है
डीएलएड सीटी टीटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी जो है आवेदन कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपके मन में ये उठ रहा होगा कि यहाँ पर सीटी दिसंबर जुलाई का कन्फ्यूज मामला है, तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि एक जो है आपको ट्विटर पर एक न्यूज़ वायरल हो रहा है कि यहाँ पर सीटी दिसंबर वालों को अभी लिया जा रहा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो है लेटर में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि सीटी दिसंबर वालों को लिया जाए। तो आप जो है अपने नियोजन इकाई साथ में दोस्तों शिक्षा के निदेशक ने कहा कि सीटी दिसंबर वालों को जो है अभी नहीं लिया जा रहा है और 1 to 5 पर मेरिट लिस्ट भी नहीं बनाया गया, लेकिन 6 to जो है मेरिट लिस्ट बनाई जा सकती है। और आपको ये भी बता दें कि ये लेटर जो है कल के डेट में जारी किया गया है, जो कि शिक्षा विभाग अशरत फिरोज़ के द्वारा बिहार राज्यपाल के आदेश पर ये जो है जारी किया गया है और सभी नियोजन इकाई को इसे सूचना किया गया है। तो दोस्तों जो है सीटेट दिसंबर वालों को जो है नहीं लिया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि सीटेट दिसंबर वालों को नहीं लिया जा रहा है। तो ऐसे में जो है अब 4 सितंबर को आपको जो है वेट करना पड़ेगा और प्राथमिकता को जो है 7 सितंबर वालों को वेट करना पड़ेगा। जब तक जो है ये आदेश नहीं आ जाता है आप जो है आगे की कार्रवाई नहीं कर सकते। फिलहाल के लिए इतना ही अपडेट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।